कहीं पर करें नारियल के चमत्कारिक उपाय, बन सकते हैं करोड़पति। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। भारतीय धर्म और संस्कृति में नारियल का बहुत महत्व है। मंदिर में नारियल फोड़ना या चढ़ाने का रिवाज है। हिंदू धर्म में वृक्षों के गुण और धर्म की अच्छे से पहचान करके ही उसके महत्व को समझते हुए उसे धर्म से जोड़ा गया है। उनमें ही नारियल का पेड़ भी शामिल है। खास तौर पर विजयादशमी के दिन नारियल के निम्न उपाय करने से जहां घर की नकारात्मकता दूर होती है, वहीं ये उपाय आपको करोड़पति भी बना सकते हैं। यहां आपके लिए प्रस्तुत है नारियल के 12 उपाय। दशहरे के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें और उसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इसके साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। एक नारियल पर चमेली के तेल का मिले सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। कुछ भोग के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋणमोचक मंगल श्रोत का पाठ करें। तत्काल लाभ प्राप्त होगा, आपके ऋण चुकता होने लगेंगे। कारोबार में लगातार घाटा हो रहा है तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेट कर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। तत्काल ही व्यापार चल निकलेगा। यदि रुपया नहीं टिक रहा हो या सेविंग नहीं हो पा रही हो तो परिवार आर्थिक संकट में घिर जाता है। ऐसे में दशहरे के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटे वाला नारियल, गुलाब कमल पुष्पमाला, 1.25 मीटर गुलाबी कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफ़ेद मिष्ठान, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को अर्पित करें। इसके पश्चात माँ की कपूर व देसी घी से आरती उतारें तथा श्री कनक धारा स्रोत का जाप करें। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो या राहु केतु अशुभ फल दे रही हो तो सूखा या काला सफेद रंग का कंबल दान करना चाहिए। ऐसा समय समय पर करते रहने से उक्त दोष दूर हो जाता है। दशहरे के दिन श्री गणेश और धन की देवी महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में एक नारियल रखें। पूजा के बाद उस नारियल को तिजोरी में रख दें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी राम मंदिर में अर्पित कर दें। भगवान श्री राम से निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करें। अभी तक अगर आपने धर्मकथाएं.com का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।